नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। जबलपुर के संजीवनी नगर थाना क्षेत्र के 90 क्वार्टर रेलवे लाइन के किनारे नाले में 35 वर्षीय अज्ञात युवक की लाश 3 सितंबर को मिली थी, जहां पुलिस के द्वारा अज्ञात युवक की लाश की शिनाख्ती के लिए प्रयास किए गए थे, जिसके बाद अज्ञात युवक की पहचान सरजू झरिया के रूप में हुई है। जहां मृतक युवक मजदूरी का काम करता था और मदन महल थाना क्षेत्र में रहता था। मूलतः युवक शहपुरा बिटोनी का रहने वाला है। वही मामले में जानकारी देते हुए सीएसपी गोरखपुर एचआर पांडे ने जानकारी देते हुए बताया कि 3 सितंबर को अज्ञात युवक का शव संजीवनी नगर थाना क्षेत्र के 90 क्वार्टर के पास रेलवे लाइन के किनारे नाले में मिला था, जहां पुलिस के द्वारा पंचनामा कार्रवाई करते हुए अज्ञात युवक की पहचान के लिए प्रयास किए जा रहे थे। जहां युवक की पहचान सरजू झरिया के रूप में हुई है। जहां युवक मजदूरी के काम करता था, वहीं पुलिस ने पूरे मामले में हत्या का प्रकरण दर्ज किया है। वहीं युवक की हत्या करने वाले आरोपियों की तलाश पुलिस के द्वारा की जा रही है। पत्थर सिर में पटक कर सरजू चौधरी की हत्या की गई थी। आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस की अलग अलग टीमें कार्य कर रही है। जबलपुर से न्यूज 69 के लिए वाजिद खान की रिपोर्ट। ये जो संजीव नगर क्षेत्र में और 90 क्वार्टर के पास में लाश मिली थी, इस संबंध में फिर पंचनामा कार्रवाई की गई और शनाख्ती कार्रवाई भी करवाई गई और मोबाइल में जितने भी ये ग्रुप थे उनमें डलवाया गया। पता चला कि ये मदन महल क्षेत्र का लड़का था, जो कि लेबरगिरी करता था और उसका नाम सरजू झारिया है। रहने वाला ये अपना शहपुरा भटवानी जो है वहाँ का रहने वाला है। इसके परिजन अभी चले गए हैं, इसमें पतासाजी लगातार जारी है और मामला हत्या का कायम किया गया है। इसमें 302-201 तो इसके साथ हत्या की घटना घटित किया है पत्थर से पटक के, उसमें की जा रही विवेचना जैसे भी आरोपी शीघ्र दस्तयाब हो जाएंगे। सर, क्या लगता है जांच के बाद कुछ अन्य कारणों का उसको मारा गया है? अब इसमें 2-3 बिंदु हैं, आप उसमें पुलिस विवेचना कर रही है ना, और उसमें लगातार विवेचना जारी है, शीघ्र गिरफ्तारी हो जाएगी। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहिए न्यूज 69 चैनल। जब तक के लिए धन्यवाद।